हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिस किचन। आज हम बनाने वाले फ्रूट कस्टर्ड। ये गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, तो जल्दी से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने कस्टर्ड फ्रूट क्रीम बनाने के लिए लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। दूध अच्छा गाढ़ा होना चाहिए। चीनी, अमूल फ्रेश क्रीम, केसर को मैंने दूध में भिगो दिया है, बादाम, इलायची पाउडर, कस्टर्ड मैंने 4 चम्मच लिया है, क्योंकि ये 4 कप दूध है, 4 कप दूध में 4 चम्मच कस्टर्ड डालना है। ये लिए मैंने किशमिश, इसको मैंने पानी में भिगो दिया है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये लिए मैंने सेव फल, अनार, आम और केले, इन सबको मैंने अच्छे से बारीक काट लिया है। मैंने लिया है 1 बाउल, इसमें मैं दूध डाल दूंगी। इसमें मैंने 1 कप दूध डाला है और इसमें मैं अब कस्टर्ड मिक्स करूंगी। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूंगी। अब देखिए, अब मैंने इसमें कस्टर्ड अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको लगातार चलाते रहूंगी, नहीं तो कस्टर्ड नीचे चिपक जाएगा। हमें कस्टर्ड को अच्छे से उबालना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, और कस्टर्ड जितना ज्यादा उबलेगा इतना ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब कस्टर्ड अच्छे से उबल गया है, इसमें उबाली आने लग गई है। मैंने केसर को दूध में भिगोया था, अब मैं इसमें थोड़े थोड़े केसर डाल दूंगी। अब देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। केसर से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब मैं इसमें मिक्स करूंगी अमूल से क्रीम को, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। अब हम इसमें चीनी मिला देंगे। चीनी को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें, चीनी आप आपके। अब मैंने इसे ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट इसे मैं रख दूंगी। मैं इसमें फ्रूट मिक्स कर दूंगी। मैं इसमें अनार मिक्स कर रही हूँ, मिक्स कर दूंगी। केले, आम मिक्स कर दूंगी। इलायची पाउडर, मैंने किशमिश पानी में गलाए थे, इसका पानी निकाल के मैं इसमें डाल दूंगी। मिक्स कर दिए। अब मैं इसमें बादाम मिक्स कर दूंगी।
कि फ्रूट कस्टर्ड क्रीम तैयार है। और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब